कई साल हो गए तब से जेट एयरवेज के जहाज जमीन पर ही खड़े हैं। कभी देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शुमार होने वाली जेट एयरवेज बर्बाद हो गई है और तब से इसे फिर से जिंदा करने की कोशिशें चल रही हैं। हाल ही में उम्मीद पैदा भी हुई कि जेट एयरवेज के जहाज एक दफा फिर आसमान में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही, बल्कि भारी कर्ज के बोझ तले दबी इस एयरलाइंस के लिए हालात अब ऐसे हो चले हैं कि कंपनी को अपने एयरक्राफ्ट बेचने तक की नौबत आ गई है। इससे ये भी आशंका पैदा हो रही है कि क्या वाकई जेट एयरवेज की उड़ानें शुरू हो पाएंगी या फिर नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक जेट एयरवेज के लेंडर्स कंपनी के 11 हवाई जहाजों को बचाने का फैसला ले सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में जेट एयरवेज का दिवालियापन का मामला चल रहा है। 1.5 साल पहले NCLT ने जेट के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी थी, लेकिन जलान कार्लोस कंसोर्टियम एयरलाइंस को कर्ज देने वालों को अभी तक पैसा नहीं चुका पाया है। मजबूरी में जेट के लेंडर्स को अपनी वसूली के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। दरअसल बैंकरों ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि जेट की रिजोल्यूशन की प्रक्रिया इतनी लंबी चलेगी। बैंक जेट के असेट्स को तब तक किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें पैसा नहीं मिल जाता। बैंकों के पास जेट के 11 एयरक्राफ्ट्स हैं और इनकी वैल्यू कम हो रही है। ऐसे में बैंक इन्हें बेचने के बारे में सोचने लगे हैं। अगस्त में शुरू की गई एक प्रक्रिया में बैंकों को इन जहाजों के लिए 6 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI मिले थे। इससे बैंक काफी उत्साहित भी हुए कि वो कुछ हद तक तो अपने पैसे की रिकवरी जरूर कर सकते हैं। जलान कार्लोस कंसोर्टियम ने NCLT में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दाखिल की है। इसकी सुनवाई 29 नवंबर को है और बैंकों की नज़र अब कोर्ट पर है। जेट की कहानी भी जान लेते हैं। जेट एयरवेज की उड़ानें अप्रैल 2019 में बंद हो गई थी। इसके बाद कंपनी को कर्ज दे चुके बैंक NCLT चले गए। जलान कार्लोस कंसोर्टियम ने रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक कंसोर्टियम ने 1,375 करोड़ रुपये कंपनी में डालने का प्रस्ताव रखा था। इसमें 900 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल के लिए था, साथ ही 475 करोड़ रुपए सभी बकायेदारों का पैसा चुकाने के लिए रखा गया था। इसमें 380 करोड़ रुपए लेंडर्स को दिए जाने थे, 52 करोड़ रुपए कर्मचारियों वगैरह को दिए जाने थे और बकाया दूसरे क्रेडिटर्स के क्लेम्स में जाने थे। बैंकों ने जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान को अक्टूबर 2020 में अप्रूव भी किया था। इसके बाद जून 2021 में NCLT ने इसे मंजूरी दे दी थी। कंसोर्टियम का कहना था कि बैंक की वजह से रिजोल्यूशन में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि बैंक की राय ये भी है कि अगर कंसोर्टियम इसी तरह रवैया रखता है तो जेट एयरवेज की असेट्स को बेचने का भी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि जेट एयरवेज ने अपने स्टाफ के एक हिस्से की सैलरी अस्थायी रूप से 50% तक घटा दी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाले जाने की भी खबरें आई हैं। कुल मिलाकर जेट एयरवेज को फिर से आसमान में उड़ता देखने की उम्मीदें संजोए बैठे लोगों के लिए ये खबरें एक बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में अगर जेट के रिजोल्यूशन का मामला नहीं सुलझा तो इस एयरलाइन के फिर से चालू होने की उम्मीदें टूट सकती हैं।